मोदक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पैन चढ़ा लिया है जिसमें मैं एक कटोरी बादाम है, इसे मैं रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करना है बादाम को। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। हमने फिर से पैन चढ़ा लिया है, अब हम इसमें मावा डालेंगे। ये 150 ग्राम मावा है, अब हम इसे भून लेंगे। देखिए जो मावा है बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने मावा जो है वो घर में ही तैयार किया था। अब हम इसमें पिसे हुए बादाम डाल देंगे। अब हम डालेंगे इलायची पाउडर। अभी मैं डाल रही हूँ कटा हुआ पिस्ता। ये मैंने यहाँ 1 टीस्पून दूध में केसर भिगो कर रखा था, उसे डाल दें। अभी मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून तगार। तगार भी कहते हैं, बूरा भी कहते हैं। तो ये हमारा मिश्रण जो है मोदक बनाने का वो तैयार हो गया है। अब हम ये ठंडा हो जाए उसके बाद मोदक बनाएंगे। तो यहाँ हमारा मिश्रण जो है वो ठंडा हो गया है। हमने यहाँ मोदक मोल्ड में थोड़ा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। अच्छे से दबाकर हमें इसे भरना है ताकि जब हमारा मोदक बनकर तैयार हो तो वो सुंदर दिखे। देखिए कितना सुंदर बना है मोदक हमारा। तो ये हमारा मावा बादाम मोदक बिल्कुल तैयार है।